विराट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन लोग यहाँ पे विराट के इस मंच पर जो चर्चा करेंगे वो आर्मी से संबंधित चर्चा करेंगे। आर्मी जीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को साइंस विषय से पूछे जाते हैं, मेनली अपन उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आर्मी जीडी का जो पेपर आता है उसका अपन एक विश्लेषण कर लेते हैं कि आर्मी जीडी के अंदर किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि आर्मी जो जीडी है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनकी संख्या होती है 50। 50 क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। अब इन 50 क्वेश्चन में से अपने को 15 जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है जनरल साइंस के यानी जीएस के, 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के, इसके अलावा 15 जो क्वेश्चन पूछता है वो मैथ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो 5 क्वेश्चन बच गए वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते। अब ये टोटल जो अपने क्वेश्चन हैं ये 50 क्वेश्चन होते हैं, और इन 50 क्वेश्चन में से अपना जो साइंस का जो मैटर रहता है वो 15 क्वेश्चन का मैटर रहता है। 15 क्वेश्चन में इजी पर्सन भी पूछे जाते हैं, टफ पर्सन भी पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने को थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करूँगा कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसके लिए अपन एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के साथ साथ अपन उन प्रश्नों को भी देखते जाएंगे जो प्रश्न अपने को परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक रसायन विज्ञान का टॉपिक लेते हैं, और रसायन विज्ञान का जो टॉपिक लेते हैं वो एक सामान्य टॉपिक है। टॉपिक का अपना नाम रहेगा परमाणु व अणु। ये जो परमाणु और अणु जो टॉपिक है इनमें से अपने को आर्मी जीडी के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की चर्चा अपन इस क्लास में करेंगे। परमाणु और अणु ऐसा टॉपिक है जहां से न केवल आर्मी में बल्कि विभिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें यहां से एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, इसके अंदर ऐसा कोई मैटर है नहीं जो परीक्षा में आपको आए नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेते तो कोई भी प्रश्न इस टॉपिक का ऐसा नहीं रहेगा जो परीक्षा में आप हल ना करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं परमाणु, जिसे आप कहते हैं एटम। परमाणु या एटम दरअसल है क्या, इससे पहले अपन इस शब्द पे जाते हैं कि परमाणु या एटम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एटम या परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या जिसे अपन कहते हैं लैटिन भाषा के एटमियो शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का एटमियो जो शब्द है उससे परमाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इस एटमियो शब्द का ग्रीक भाषा में जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अविभाज्य, यानी जिसका अपन विभाजन नहीं कर सकते। परीक्षा में शब्द के रूप से देखें तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो परमाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य, यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ने विभाजित होने वाला। दूसरी बात अगर अपन देखें कि इस एटम के बारे में कि दरअसल परमाणु होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। आर्मी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो परमाणु की डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये क्वेश्चन बना है कि परमाणु है क्या। तो परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु या एटम कहलाता है। तो जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा भाग जो है
वो परमाणु कहलाता है। अब आगे इसमें देखें कि परमाणु का इतिहास क्या रहा है। अगर परमाणु का इतिहास देखें तो विश्व स्तर पर अपन देखें तो विश्व स्तर पर परमाणु की खोज का श्रेय आप सभी को पता है जॉन डाल्टन को जाता है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत में आज से लगभग 600 BC पर हुए एक महान दार्शनिक हुए थे जिनका नाम महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद भारतीय ये जो दार्शनिक हैं महर्षि कणाद, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है वैशेषिक सूत्र। याद रहे वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ महर्षि कणाद ने लिखा था। और इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि जब आप किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे। अब इन टुकड़ों को आप फिर छोटे भागों में बांटेंगे तो और छोटे होते जाएंगे। अंत में एक ऐसी स्थिति चली आएगी कि अंत में जो कण बचेगा उसका आप विभाजन नहीं कर सकते। इस अंत वाली स्थिति को, इस छोटे से कण को इन्होंने अणु नाम दिया था, न कि परमाणु। तो अगर परमाणु के बारे में देखें तो भारत जो है वो भारत ने सबसे पहले परमाणु के बारे में अपनी अवधारणाएं दे दी थी। भारतीय महर्षि कणाद ने बताया था कि किसी भी पदार्थ को जब आप टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप अंत में उसका विभाजन नहीं कर सकते, और उसको महर्षि कणाद ने अणु नाम दिया था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की जो जीवनी है उसका नाम है ललिता विस्तार। ललिता विस्तार तो इस ग्रंथ में भी अपने को परमाणु से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से महर्षि कणाद को विश्व मंच नहीं मिल पाया। और इसका श्रेय यानी परमाणु की खोज का श्रेय ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम आप सभी जानते हैं, जॉन डाल्टन, इनको जाता। यानी परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है तो अपना जो उत्तर होगा वो होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में, याद रहे 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। और परमाणु की खोज करने के बाद में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको अपन लोग कहते हैं एटम थ्योरी या परमाणु सिद्धांत। दरअसल परमाणु सिद्धांत है क्या उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा ये देख लेते हैं कि अपन ने परमाणु से संबंधित क्या पढ़ा है। अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा है कि परमाणु दरअसल होता क्या है। तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। और परमाणु शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के एटमियों शब्द से बना है। इस एटमियों शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य, यानी ऐसा कण जिसका विभाजन नहीं कर सकते परमाणु कहलाता है। उसके बाद में अपन देखें कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो परमाणु से संबंधित अपनी अवधारणाएं सबसे पहले भारत के महर्षि कणाद ने दी थी। और कणाद ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ को जब आप टुकड़ों में विभाजित करोगे तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप इस कण का विभाजन नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने अणु नाम दिया था। लेकिन इन्हें वैश्विक पहचान नहीं मिल पाई थी। तो पूछ सकता है भारतीय परमाणुवाद के जनक, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है, तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। दूसरी चीज अपन ने देखी कि परमाणु की खोज का श्रेय ब्रिटेन के जॉन डाल्टन को जाता है। उन्होंने 1808 में परमाणु की खोज की थी और परमाणु सिद्धांत दिया था। अब अपन चर्चा करेंगे कि दरअसल परमाणु सिद्धांत है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि परमाणु सिद्धांत से संबंधित अपने को सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या परमाणु सिद्धांत है, क्या प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी बातें जॉन डाल्टन ने बताई, तमाम प्रकार की बातों की चर्चा अपन इस परमाणु सिद्धांत में करेंगे जो 1808 में ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने दिया था। तो देखिए क्या परमाणु सिद्धांत है, क्या इनकी बातें हैं, उनके बारे में एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। अपन बात करते हैं यहाँ परमाणु सिद्धांत की।
कि दरअसल परमाणु सिद्धांत है क्या, कुछ सी स्टेटमेंट हैं जिनको सामूहिक रूप से अपन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। पहला प्रश्न, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत जॉन डोल्टन ने दिया था, और इनकी कुछ मुख्य बातें हैं परमाणु सिद्धांत की, वन बाय वन करके अपन अध्ययन करेंगे। पहली बात है, परमाणु सिद्धांत में डोल्टन महोदय ने बताया कि सभी पदार्थ, याद रहे, दुनिया के सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है, यानी परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु सिद्धांत की पहली बात बताई कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को अपन लोग कहते हैं एटम या परमाणु। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। तीसरी बात डोल्टन ने बताई कि परमाणु जो हैं ये अविभाज्य हैं, नॉट डिवाइडेबल हैं, परमाणु का विभाजन नहीं कर सकते, परमाणु अविभाज्य कण है। ये परमाणु सिद्धांत की तीसरी बात थी। चौथी बात डोल्टन बताते हैं कि जो आपका परमाणु है, परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चौथी बात डोल्टन ने बताई कि परमाणु जो होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जिनके बारे में HM का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अणु लेता है या परमाणु। तो ध्यान रहे, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है न कि अणु। अगर अपन एक केमिकल रिएक्शन देखें, जैसे मान लीजिए H2+Cl2, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें देखने को ऐसा लग रहा है कि ये हाइड्रोजन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का अणु है, पहले ये परमाणु में विभाजित होता है, ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, ये क्लोरीन का परमाणु अणु भी अपने परमाणु में विभाजित होता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से जुड़ेगा, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनाते हैं HCl। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन दरअसल रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि सब परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो याद रखना है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसका मतलब है एक अकेला परमाणु कुछ भी नहीं कर सकता, और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसके अपवाद भी मिलेंगे आपको। जैसे इनर्ट गैस जो हैं, यानी अक्रिय गैस हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अक्रिय गैस में जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है अणु होता है, न कि परमाणु। याद रहे कि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो ये कुछ बातें जॉन डोल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताई थी। दोबारा देखते हैं कि जॉन डोल्टन ने 1808 में जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था उनमें कौन कौन सी बातें बताई थी। सबसे पहले डोल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अपन एटम या परमाणु कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तीसरी बात बताई कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, यानी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। चौथी बात बताई कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, न कि अणु। और नेक्स्ट जो बात उन्होंने ये बताई कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परमाणु अकेला नहीं रह सकता, अपवाद स्वरूप अक्रिय गैसें। तो
ऐसा कौन सा सबसे छोटा पदार्थ है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो सबसे छोटा पदार्थ जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो होता है दोस्तों अणु। ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अणु दरअसल क्या होता है, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, यानी परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो ये चीज बताई थी जॉन डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत में, जिनके स्टेटमेंट आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और देखते हैं कि दरअसल परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु के स्ट्रक्चर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपन कई बार उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो अब अपन जो तीसरा इस टॉपिक पॉइंट का टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो संरचना से संबंधित अपने को क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो स्ट्रक्चर अगर देखें एटम की, तो सामान्यतः जो परमाणु होता है वो आप देखते हैं कि अंडाकार या गोलाकार होता है, यानी परमाणु सामान्यतः अंडाकार या गोलाकार होता है। पहली बात ये ध्यान रखना कि परमाणु सामान्यतः संरचना में गोलाकार या अंडाकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये जो आपको एटम दिखाई दे रहा है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है आंतरिक भाग, ये बिल्कुल खोखला होता है। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी दूसरा पॉइंट ये है कि इसका अधिकांश जो भाग होता है एटम का वो दरअसल खोखला होता है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इस परमाणु के अंदर जो कुछ भी द्रव्यमान होता है वो उसके सेंटर में केंद्रित रहता है, इसके मध्य में पाया जाता है, यानी परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो इसके मध्य भाग में पाया जाता है, और इस मध्य भाग को अपन लोग बोल देते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। याद रहे परमाणु का मध्य भाग कहलाता है नाभिक या न्यूक्लियस। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसके सेंटर में केंद्रित होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है, जैसे इस होल के अंदर मैं ये मारकर बीचों बीच रख देता हूँ, तो इतना सा भाग इसका मध्य भाग है जिसे अपन नाभिक या न्यूक्लियन कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है कि परमाणु का जो आकार होता है इसके बारे में अपने को पूछता है, तो ये जो परमाणु का आकार है इसका आकार होता है 10^-10 मीटर की कोटि, यानी परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10^-10 मीटर कोटि का इसका आकार होता है। और परमाणु पे अगर अपन देखें कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, तो परमाणु पर दोस्तों दरअसल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाते हैं और परमाणु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी याद रहे स्वयं परमाणु उदासीन होता है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि परमाणु पर आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है, या फिर उदासीन होता है, तो याद रहे परमाणु दरअसल उदासीन होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट संरचना से संबंधित जो अपने को पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि परमाणु के मूलभूत कण के बारे में ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यानी परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से हैं, तो परमाणु के मूलभूत कणों की संख्या है 3, और ये जो 3 कण हैं उनमें एक आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आ जाता है प्रोटॉन, और तीसरा आ जाता है न्यूट्रॉन। ये 3 मूलभूत कण जो परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये कुछ बेसिक संरचना जो आपको आर्मी लेवल में पूछ सकता है कि परमाणु की आकृति कैसी होती है, सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, तो परमाणु का अधिकांश भाग बिल्कुल खोखला होता है, तो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है जितना भी इसके अंदर भार होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो इसके बीच में पाया जाता है, और इस बीच वाले भाग को दरअसल अपन नाभिक या न्यूक्लियन कहते हैं, जिसकी खोज 1911 में हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद में एक ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो परमाणु का जो आकार होता है ये 10^-10 मीटर होता है, और परमाणु पर आवेश की बात करें तो परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है, और परमाणु कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, तो परमाणु 3 मूलभूत कणों से बना होता है, जिनमें
एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब अपन देखेंगे कि ये जो तीन कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम है, दोबारा बनाता हूँ इसको, परमाणु की संरचना अगर बनाई जाए तो जैसे मान लीजिए ये एटम, ये इसका मध्य भाग होगा जिसको आप लोग कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियन। परमाणु के तीन जो मूलभूत कण होते हैं जिनमें एक आपका प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन, ये दोनों कण नाभिक में पाए जाते हैं। याद रहे परीक्षा में पूछेगा कि परमाणु के कौन से कण परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये परमाणु की परिधि पर यानी बाह्यतम भाग पर लगातार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार पथ को अपन ऑर्बिट यानी कक्ष या एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो परमाणु के जो तीन मूलभूत कण हैं उनके अपन ने स्थिति को देखा कि ये कहाँ परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। दो जो कण हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये तो परमाणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं जिसे नाभिक कहते हैं, और एक जो कण बच गया इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु की बाहर वाली जो परिधि है इस पे वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहता है और इसे अपन कहते हैं ऊर्जा स्तर। अब अपन देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न अपने को आगे क्या पूछा जा सकता है। मोस्टली जो मैंने जहाँ तक देखा है आर्मी लेवल में, वहाँ पर जो प्रश्न पूछते हैं ये परमाणु के मूलभूत कणों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो परमाणु के तीन मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनसे संबंधित अपने को क्वेश्चन करता है। तो कौन सा प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे एक एक करके। आगे अपन देखते हैं कि जो एटम के मूलभूत कण हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उनसे संबंधित अपने को एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि परमाणु का जो मूलभूत कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी बाकी बातें विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि इन कणों के बारे में क्या याद करना है। हालांकि बहुत सारी और भी बातें हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ई से दर्शाते हैं, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो चार्ट रहेगा ये थोड़ा सा अगर ढंग से देख लिया तो जिंदगी भर इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप गलत नहीं करोगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको इनकी डिस्कवरी के बारे में यानी खोज के बारे में क्वेश्चन करता कि साहब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों आप जानते हैं जे थॉमसन नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन कण है उसकी खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, कब की, 1897 में। कई बार डेट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप एक और महत्वपूर्ण सन है राजस्थान के एक किसान आंदोलन से संबंधित, अगर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है तो राजस्थान का जो बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में हुआ था ऊपरमाल जागीर में, वो 1897 को प्रारंभ हुआ था और 1941 को ख़त्म हुआ था। लगातार 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था। तो उस डेट को भी आप याद कर सकते हैं और साथ में ये भी याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ, किसने की, जे थॉमसन ने 1897 में। दूसरी बात करें यहाँ पे प्रोटॉन की देखें तो प्रोटॉन की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, कब की थी, तो 1919 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और चैडविक ने ये जो खोज की थी वो 1932 में की थी। तो ये तीनों जो मूलभूत कण हैं उनके खोजकर्ता हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज याद रखना गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखना है यहाँ पर, वो ये याद रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसको इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने, स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन शब्द किसने दिया, तो प्रोटॉन शब्द रदरफोर्ड ने दिया जबकि इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी ने दिया। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनके कोई अन्य नाम भी हैं क्या,
अन्य नामों से भी इन्हें जानते हैं क्या? तो जी हाँ, अन्य नामों से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन को अपन कहते हैं कैथोड किरणें। आर्मी में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि परमाणु के किस मूलभूत कण को कैथोड किरण भी कहा जाता है, तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रोटॉन को दरअसल अपन कह देते हैं एनोड रेज यानी एनोड किरण। एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ से निकल कर आ रही है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि दोस्तों कैथोड किरणों की खोज की थी विलियम क्रुक्स ने। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। यहाँ पर तीसरी चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि परीक्षा में पूछेगा साहब अपने को चार्ज पूछेगा, इन कणों पे आवेश पूछेगा। तो एक तो ये नाम हो गया, दूसरा अन्य नाम हो गया, तीसरा पॉइंट आवेश कि आवेश कितना होता है कौन से कण पे। तो पहले तो आर्मी में पूछा गया था, पिछले सीकर भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक इसके विपरीत प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल शब्द से बना है, न्यूट्रल का मतलब आप जानते हैं ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, यानी ये उदासीन होता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि परमाणु का ऐसा कौन सा कण है जिस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। अब आवेश होता है ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे उदासीन होता है। तो ऋणात्मक होता है तो कितना होता है उसका डाटा आपको याद रखना है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। याद रहे परीक्षा में पूछा गया है आर्मी में कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ये प्रश्न आपको दोबारा पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे धनावेश, जबकि दोनों का मान बराबर होता है। फर्क इतना है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अपन प्लस कर देंगे, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यहाँ पर अगर आवेश देखें तो यहाँ पर अपन पहले से लिख रहे हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो अभी तक अपने को एक ही डाटा याद करना पड़ा, आवेश से संबंधित डाटा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब धनात्मक आवेश है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इनका मास यानी द्रव्यमान याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। तो द्रव्यमान जो देखें इलेक्ट्रॉन का वो वैसे तो नगण्य होता है, फिर भी अपन देखें तो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। अपन इसको नगण्य बोल सकते हैं, बहुत कम होता है, गणना के योग्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। प्रोटॉन पे चार्ज यहाँ से निकालेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ से देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1.6 लिखा है, तो 1.6 अपन ने लिख दिया, 6 के बाद क्या आता है 7, और 7 है तो याद रखना ऊपर 27 कर देंगे, -27 kg। अब ये आ गया आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आप जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और बराबर होता है तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻²¹ kg। चार्ट है, यहाँ से आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से, वो अपन चर्चा करेंगे इस चार्ट से संबंधित कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित। पहली बात तो याद रखनी है साहब, इनकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने दिया, प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि क्या इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपन अन्य नाम से जानते हैं, वो जो अन्य नाम है इलेक्ट्रॉन का वो है कैथोड किरण, क्योंकि कैथोड किरणें स्वयं इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं,
और कैथोड किरणों की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है कई दफ़ा, ये रिवाइज क्वेश्चन रहता है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की, विलियम क्रुक्स ने की। जबकि अपन प्रोटोन को एनोड रेज के नाम से जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखना है कि प्रोटोन पे आवेश कैसा होता है, तो प्रोटोन पे आवेश धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। मान कितना है, -1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि आवेश का सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। उसके बाद में इनके मास की बात करें तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³¹ केजी होता है, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻²⁷ केजी होता है, और जितना प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही आपके न्यूट्रॉन का होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। अब अपने को देखना है कि इसको याद कैसे करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, गाइड्स के अंदर भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी आपने पढ़ा है, फिर याद कैसे रखें लंबे समय तक। तो यहाँ पर इन डाटा की अगर मैं बात करूँ कि अपने को यहाँ पर डाटा कैसे याद करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डाटा याद करने हैं परीक्षा में, 3 से यहाँ पर अपना काम निकल जाएगा। एक तो आवेश में ध्यान रखना, 1.6 × 10⁻¹⁹, आवेश में केवल एक ही डाटा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन आते ही दिमाग में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे पहले नेगेटिव लगा देंगे। प्रोटॉन आते ही आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अपन यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज समान होता है, लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, द्रव्यमान में अपने को क्या करना है, कई बार दिमाग में नहीं आता है, तो यहाँ पे 19 लिखा है, इसको विपरीत लिखेंगे तो आएंगे आपके 91, और 91 में अगर पॉइंट लगाते हैं तो बनते हैं 9.1। जैसे ये है, इसको मैंने यहाँ पे विपरीत लिख दिया और बीच में पॉइंट लगा दिया तो 9.1। तो पहली बात तो ये दिमाग में आ जाएगी कि इसका उत्तर 9.1 से प्रारंभ होगा, और उसके बाद में ये चीज़ आपको याद रखनी है, 10⁻³¹ kg। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो चार्ज लिखा उसके जस्ट नीचे, जैसे 1.6 ऊपर ही लिखा है, 6 के बाद आता है 7, यहाँ पे आपने 7 लिख दिया, 7 लिखा है तो यहाँ पे -27, यानी 7 के साथ क्या जोड़ना है आपको, 27। तो 1.67 × 10⁻²⁷ kg। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि परमाणु के नाभिक में जो दोनों कण पाए जाते हैं उनका भार लगभग समान होता है, तभी नाभिक का अस्थायित्व बना रहता है। तो जितना भार आपके प्रोटोन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का होता है। तो ये डाटा एक ही है जो आपको याद करना है। अब देखो, इसमें अपने इनके खोजकर्ताओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हमेशा अपने कंफ्यूज रहता है, क्योंकि ये जो नाम है इनके खोजकर्ताओं के वो लगभग अपने को कंफ्यूज करने वाले नाम है। कभी रदरफोर्ड आता है, कभी मैक्स प्लैंक आता है, कभी थॉमसन आता है, कभी स्टोनी आता है। तो मोस्टली अपने को याद क्या करना है कि अपने को 5 खोजकर्ता एटम टॉपिक से आपको याद करने ही हैं, क्योंकि वहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब 5 खोजकर्ता कौन कौन से हो गए, इनको याद करने के लिए सबसे पहले आप एटम की संरचना बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया एटम, ये हो गया आपका, एक नंबर पे मैंने लिख दिया एटम, यानी परमाणु हो गया। दिमाग में आना चाहिए कि अपन एटम के खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एटम लिखा और एटम नंबर 1 पे खोज हो गई कि एटम की खोज किसने की, उत्तर आप स्वयं बताएंगे। दूसरा, अपन देखें कि ये एटम कितने मूलभूत कणों से मिलकर बना है, तो साहब 3 मूलभूत कणों से, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, एक एटम की हो गई, 4 खोज हो गई। उसके बाद में आप देखते हैं कि इस परमाणु के अंदर और क्या बचा, तो इसका मध्य भाग बचा, और इस मध्य भाग को अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन या नाभिक, न्यूक्लियॉन या नाभिक। ये महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षा में बहुत काम आएगा आपके, कि अपन ने परमाणु की खोज को कैसे याद किया। सबसे पहले दिमाग में एटम, एटम के 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में एटम का जो मध्य भाग होता है वो आपका नाभिक या न्यूक्लियॉन कहलाता है। तो 1, 3 ये हो गए 4, और 1 ये हो गया आपका न्यूक्लियॉन 5। अब 5 खोजकर्ताओं को एक ट्रिक याद रखना, आपको 2-4 बार लिखेंगे और डिस्कस करेंगे आपस में दोस्तों के साथ, तो अस्थायी रूप से याद हो जाएगा। याद क्या करना है, याद करना है साहब एडी, ईंट, पग, नाच, नार। एडी, ईंट, पग, नाच, नार, इसको आपने अगर 5-4 बार रफ कॉपी में लिख लिया और स्वयं आपने बना लिया, तो जिंदगी में कभी भी खोजकर्ता का प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसे,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास पांच पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर लिखा है सबसे पहले एटम, एटम के बाद ये तीन एटम के मूलभूत कण हो गए और ये एटम का मध्य भाग हो गया नाभिक। अगर अपन देखें कि एटम जो है इसके जोड़े में लिखा है AD, तो इस A से आप लोग बनाएंगे एटम यानी परमाणु और D से डोल्टन। तो परमाणु की खोज डोल्टन ने की, कब की? 1808 में की। दूसरा जोड़ा आता है अपना ईट। अब इस ई में ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज आप टॉमसन या थॉमसन बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्जन में इसको टॉमसन बोला जाता है, तो जे जे टे से लिख दिया टॉमसन। कब की? तो ये खोज हुई थी 1897। तीसरा जोड़ा लेते हैं पग। पैसे एक महत्वपूर्ण कण बन गया आपका प्रोटोन, और गैसे बन गया गोल्ड स्टीन। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी 1919 में। उसके बाद में नाच, नाच, इस नाच से परमाणु का तीसरा महत्वपूर्ण कण बनता है न्यूट्रॉन, और चै से आप समझ जाओगे चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। अंतिम बच गया ना, इस ना का मतलब हो जाएगा नाभिक। अंतिम ना का मतलब क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। तो इस जोड़े को अपन यहां रखते हैं, इस ना का मतलब है नाभिक, इस रे का मतलब हो जाएगा रदरफोर्ड। 1911 में हेनरी रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो ये अपना महत्वपूर्ण जो रामबाण सूत्र रहेगा परीक्षा में, कि किस चीज को कैसे याद करें। अपन ने जो ऊपर पढ़ा है वहां से बार बार जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि परमाणु से संबंधित पांच महत्वपूर्ण खोज, एक परमाणु की खोज, तीन उनके कणों की खोज और एक परमाणु के नाभिक की आपको याद रखना है। एडी ईंट पग नाच नार, एडी ईंट पग नाच नार में से पांच जोड़े बनाएंगे। एक एडी हो गया, दूसरा ईंट हो गया, तीसरा पग नाच और नार। अपने को पूरा देखना ही नहीं है, परीक्षा में इतना लिख लिया। और मान लीजिए आपको पूछा कि परीक्षा में प्रश्न पूछा है प्रोटोन की खोज किसने की, तो सीधा उत्तर पे के बाद में जो अपना आ रहा है जोड़ा, इस जोड़े में साथ में वो गया आ रहा, मतलब गोल्ड स्टीन आपका उत्तर हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे जे टॉमसन या थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। एटम की खोज किसने की, डोल्टन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। और नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें परमाणु से संबंधित परमाणु के जो सिद्धांत है उनमें एक आता है आपका प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन ने दिया था। दूसरा परमाणु को समझाने का जो प्रयास किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, उन्होंने सवर्ण पन्नी प्रयोग दिया था जिसे अपन अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और परमाणु संरचना का जो आधुनिक और सर्वमान्य मॉडल ये नील्स बोर ने दिया था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में तमाम प्रकार की बातें रहेंगी, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं एक एक करके अपन विभिन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।